मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हो, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मेरा नाम अरुणा नाम है। आज हमने बाहर जाके कुछ गरीब लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, ट्रैफिक पुलिस को, बीएमसी को, सबको मिठाई बांट के आए हैं। मैंने इसलिए आज बांट दी क्योंकि मैं पूना जा रही हूँ, मैं यहाँ पे नहीं होंगी, तो आज इसलिए हम लोग सब, मैं और मेरी फ्रेंड्स, हम लोग मिठाई बांट के आए। और अच्छा लगता है क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं लोगों के पास अभी भी, मतलब एकदम जॉब नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा कि उनको थोड़ी मैं मदद कर दूं और उनकी भी अंधेरी ज़िंदगी में मैं रोशन कर दूं। जैसे कि आप जानते हो कि दीपावली रोशनी का त्यौहार है, लाइट्स का त्यौहार है। ये कॉन्सेप्ट ये माइंड में कैसे आया कि हम गरीबों को मिठाई बांटते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट आया? देखिए, मैं पहले भी करती थी, पहले छोटे स्केल में करती थी, फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई, लोग मुझसे जुड़ते गए, तो फिर मैंने सोचा कि करना चाहिए। मैं हमेशा करती हूँ, मेरी भी बेटी, उसने कभी भी क्रैकर्स नहीं जलाए हैं, हमेशा हम लोग गरीबों को जाके मदद करते हूँ। और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी, प्लीज़, क्रैकर्स जलाने से पोल्यूशन होता है, वही पैसा आप किसी गरीब को डोनेट कर दो, किसी को दे दो, किसी का घर में रोशन कर दो, किसी की ज़िंदगी रोशन कर दो। मैं आपसे वही गुजारिश करूंगी कि दीपावली रोशनी का त्यौहार है, सबके जीवन में रोशनी फैलाइए। कितने लोगों को बांटा आपने, कुछ गिनती आंकड़े? आज हमने 80 बॉक्स मिठाई के मंगाए थे, और मतलब कुछ बॉक्सेस हमने हमने 60 बॉक्सेस है वो बाहर बांटे, और मीडिया के लिए भी मंगाए हुए हैं हमने, अभी मीडिया को भी बांटना है। क्या संदेश देंगे लोगों को, अभी दिवाली भी है? लोगों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि दिवाली बनाइए लेकिन क्रैकर्स मत जलाइए, बिकॉज जब क्रैकर्स जलाते हैं पोल्यूशन फैलता है। आपको पता है कोरोना के समय भी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जो दमे के मरीज होते हैं, जिन्हें अस्थमा होता है, उनको बहुत तकलीफ होती है, जानवर जो होते हैं वो भी डर जाते हैं, तो इसलिए आप क्रैकर्स मत जलाइए, आप गले मिलिए, मिठाइयाँ बांटिए, एक दूसरे से प्यार बांटिए। मैं यही कहना चाहिए कि शांति से बनाइए और सबकी ज़िंदगी को रोशन करिए। लाइफ है एंड फाउंडेशन की स्थापना की क्या करने वाले, क्या कुछ प्लान्स हैं आपके, बताएंगे? लाइफ एंड फाउंडेशन की मैंने कोरोना के समय में स्थापना करी क्योंकि मैं बहुत सोशल वर्क करती थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना फाउंडेशन ही खोलूं। और अभी कल ही मैं एसिड विक्टिम का एक प्रोग्राम अटेंड करके आई थी, वॉक फॉर अ कॉज, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं गर्ल चाइल्ड, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर, मीडिया, सबके लिए कर रही हूं, तो अभी मैं सोच रही हूं कि मैं उनके लिए भी कुछ करूं, और लाइफ एंड फाउंडेशन हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा। थैंक यू सो मच।